मेरा और ये निवेदन है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़ रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो वो आकर के एक बार यहाँ देखें और आकर के कथा का आनंद लें और महाराज जी का दर्शन करें। आज जो महाराज जी हिंदू समाज का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर चल रहे हैं, उनको बल मिलता है महाराज जी को। जितनी ज्यादा संख्या होती है, महाराज जी कहते हैं सब लोग कहीं ना कहीं हिंदू बने और तिलक लगाकर पूरे देश में जिस तरह निकलेंगे उस दिन पूरा हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो जाएगी। ये महाराज जी का उद्देश्य है और हम भी इसी को बल देने के लिए महाराज जी को आमंत्रित किया हम लोगों ने भी। तो जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज। दोस्तों अभी आप देखिए मेरे पीछे जो भव्य दरबार है ये रेडी हो चुका है। पीछे आप देखिए मंच को यहाँ पर सजा दिया है और जो कटआउट वगैरह यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी जो मंच है यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से कितना भव्य ये स्टेज लग रहा है और अभी जो लाइटिंग का इफेक्ट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी खूबसूरत जो मंच है ये सजकर तैयार हो चुका है। और जब यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम विराजेंगे और अपनी जब कथा सुनाएंगे हनुमंत कथा तो सब लोग उन्हें यहाँ पर जोश भरने वाला है और अपना जो गुरुजी दिव्य दरबार भी यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कितना भव्य तरीके से इस स्टेज को यहाँ पर सजाया गया है कटआउट लगा के और ये जो मंदिर का कटआउट है काफ़ी खूबसूरत और भव्य यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए आप जब आप मंच को नीचे से देखेंगे निहारेंगे तो काफ़ी खूबसूरत ये मंच यहाँ पर लगने वाला है। ये आप देख सकते हैं वहाँ तक पूरा जो कटआउट है लगा हुआ है और काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर इस स्टेज को सजाया गया है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए लोगों में कितना उत्साह है यहाँ पर जो कटआउट पीछे लगाए हुए हैं। फोटो खिंचाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए एक एक करके काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में यहाँ पर आगमन को लेके। देखिए आप इधर सभी लोगों से भी निवेदन किया जा रहा है कि आप व्यवस्था बनाए रखिए, नीचे जाइए। तो देखिए अभी सभी लोग नीचे जा रहे हैं स्टेज से। अब व्यवस्था नहीं हो गया और बरसात भी अगर मान लो ज्यादा भी होती है ना तभी व्यक्ति को किसी प्रकार की, या इतने सारे वो बने हुए हैं मंडी में जो किसान प्रोसेसिंग करने आते हैं माल को बेचने आते हैं जी, जी, जी। वो जो गल्ला होता है जी। वो सारे डोम इसके इर्द गिर्द ही है जी। क्या उसके बावजूद भी कम से कम 500 फुट का जो 500 बाई और 1000 फुट का जो डोम बना हुआ है जी। इतना ही इधर है उधर दोनों तीनों चारों और सामने देखोगे तो 1000 फुट का और आगे परिसर है जी। इतनी बड़ी कथा पूरे हिंदुस्तान की इस बारात शहर के अंदर होने जा रही है। छोटा शहर है लेकिन यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह है। महाराज जी का जिस तरह नाम है, महाराज जी जिस तरह से है काम कर रहे हैं लोगों में, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर के महाराज जी काम कर रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है। महाराज जी को बल देने के लिए यहाँ अथा संख्या में लोग आने वाले हैं, चीटों की तरह लोग होने वाले हैं यहाँ। जिस तरह से हम लोगों ने प्रचार प्रसार महाराज जी का जो किया है जी, क्या वास्तव में लोग यूँ कह रहे हैं इतना बड़ा प्रचार प्रसार कभी किसी कथा का नहीं हुआ। जिस तरह से महाराज जी कथा का हमने प्रचार किया है ना, गाँव गाँव में जाकर के, कस्बों में जाकर के, क्या और अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का मिला हम लोगों को। बहुत बड़ा डोम बना हुआ है उसके अंदर खाना बन रहा है और एक ही डोम इधर साइड में लगा हुआ है उसमें आराम से बैठ करके भोजन करने वाले लोग। और ये पहली बार है कलश यात्रा के बाद में भोजन 12 की धरती पहली बार मिल रहा है। मैंने कलश यात्रा खुद सारी देखी है लेकिन यहाँ जिस सिस्टम में लोगों को खाना मिलेगा वो तो कभी नहीं मिला। और रहने की जब बात है तो बाहर से लोग आए हैं यहाँ, पूरा परिसर इस पर बिछावट की गई है, इस बिछावट के अंदर लोग आराम से सो भी सकते हैं, क्या कहीं से कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर मान लो पूरे 12 के लोग अलग पावड़े बिछा करके यहाँ लोगों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिसको क्या होटल तो किराए से मिल जाएगी लेकिन अपने निजी जो परिसर है वो सब लोगों ने निःशुल्क कर दिया। मेरा खुद का निजी मेरी जोल है, मैंने उसको भी लोगों के लिए अभी 3 दिन के लिए फ्री कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को किसी का क्या है, किसी का क्या है, किसी ने अपना वो बना रखा है, सब लोगों ने फ्री कर रखा है और सुविधा भी देखे। और कहीं खाना नहीं मिला क्या सीधा होगी, खाने की व्यवस्था व्यापारी खुद भी कर रहे हैं, कोई क्या नाश्ता कराएगा, कोई पोहे खिला रहा है, कोई कचौरी खिला, इस तरह की व्यवस्था जमा रखी है, सब समाज की ओर से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। कुल मिला के बात ये है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर कथा सुनने के लिए आएंगे उनको किसी भी तरह की असुविधा यहाँ पर होने वाली नहीं। और यू कहेंगे हम तो कथा आए कि हमें तो अभी तो घर जैसा माहौल मिल गया, ऐसा महसूस करने वाले यहाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। मेरा और ये निवेदन है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़ रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो वो आकर के एक बार यहाँ देखें और आकर के कथा का आनंद लें और महाराज जी का दर्शन करें। आज जो महाराज जी हिंदू समाज का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर चल रहे हैं, उनको बल मिलता है महाराज जी को। जितनी ज्यादा संख्या होती है, महाराज जी कहते हैं सब लोग कहीं ना कहीं हिंदू बने और तिलक लगाकर पूरे देश में जिस तरह निकलेंगे उस दिन पूरा हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो जाएगी। ये महाराज जी का उद्देश्य है और हम भी इसी को बल देने के लिए महाराज जी को आमंत्रित किया है। आनंद जी को आगे चलो।
तो ये देखिए हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, चलिए इनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरीके की अभी यहाँ पर ये डेकोरेशन वगैरह को देखने के लिए आए हैं। जी माता जी, नाम बताइए आपको। कमलेश जी नागर। तो किस तरीके की व्यवस्था अभी यहाँ पर की गई है? बहुत अच्छी हो रही है। तो काफी अच्छा है, महिलाओं भी। हाँ सर, कार्यक्रम को लेकर। हाँ बहुत अच्छा। तो कलश यात्रा में भी आप भाग लेंगे? हाँ, 51,000 कलश लेंगे सर। तो ये कलश यात्रा कहाँ से निकलने वाली है? ये श्री राम स्टेशन से होगी सर। श्री राम स्टेशन से निकलेगी और एक